मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनवाल एजुटेक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2021 की। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं कि यूजी सेकेंड ईयर के एग्जाम 17 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि जो पैटर्न परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है, आपका एग्जाम का एग्जाम सिलेबस कितना आएगा और कितने घंटे का आपका पेपर होगा और किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आइए देखते हैं जो न्यूज़पेपर में खबर आई है उसके बारे में। जी फ्रेंड, सबसे बड़ी अपडेट ये है आरयू में 1.5 घंटे में 50% आपको पेपर सोल्व करना होगा। डिस्क्रिप्टिव पर्सन आने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव पर्सन कैसे आएंगे ये आपको बताने वाला हूँ। और जो आपको बिना शर्त प्रमोट किए गए सेकेंड ईयर के 1.54 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा 17 सितंबर से होने वाली है, यानी कि 17 सितंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट है और टाइम टेबल इसका जारी हो चुका है। जिन्होंने टाइम टेबल नहीं देखा है वो टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी अपडेट को देखते हैं कि यूजीसी फाइनल ईयर की परीक्षा और फर्स्ट ईयर को प्रमोट करने के बाद अब सेकेंड ईयर छात्रों की परीक्षा का समय आ गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी सेकेंड ईयर की करीब 1.54 लाख छात्रों के लिए परीक्षा सितंबर में आयोजित करने वाले हैं, यानी 17 सितंबर से परीक्षा शुरू होगी। इसके अलावा प्रदेश की विभिन्न यूनिवर्सिटी करीब 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंटों की परीक्षा आयोजित करवाएगी। पेपर पहले से छपे इसलिए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होंगे। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का मतलब हो गया कि आपको जो फाइनल की एग्जाम है उसी प्रकार आपके एग्जाम होने वाले। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले थे परंतु पेपर पहले से ही छपे हैं, इसलिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, डिस्क्रिप्टिव ही क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि बड़े क्वेश्चन ही आएंगे, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं। उसके बाद में उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश में यूजी पीजी फाइनल ईयर की परीक्षा कराने और फर्स्ट ईयर की प्रमोट करने के आदेश दिए थे। वहीं यूजी सेकेंड ईयर को थर्ड ईयर में अस्थायी रूप से प्रमोट करने के आगे कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए परीक्षा कराने को कहा था। परीक्षा ऑब्जेक्टिव या डिस्कर्सिव तरीके से कराने का ऑप्शन यूनिवर्सिटीज पर छोड़ा हुआ था, यानी कि जैसे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आ सकते हैं या डिस्कर्सिव भी, तो यूनिवर्सिटी के लिए छोड़ा था परंतु यूनिवर्सिटी ने नहीं करवाया ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर डिसीजन ही आपका रहने वाला है, डिस्क्रिप्टिव ही तरीका रहने वाला है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कोरोना की दूसरी लहर से सभी परीक्षाओं के पेपर छपवा लिए थे, यानी कि पहले ही पेपर छप गए थे, इसी वजह से सेकेंड ईयर की परीक्षा डिस्क्रिप्टिव होने वाली है। परीक्षा के लिए पेपर पुराने पैटर्न पर छपे हुए हैं। सरकार के आदेश के अनुसार 1.5 घंटे में करना होगा आपको, 1.5 घंटे में आपको सिर्फ पेपर करना होगा। पेपर 3 घंटे के हिसाब से ही छपे हुए हैं और 50% पेपर आपको सोल्व करना होगा। 50% पेपर सोल्व कैसे करना है, नंबर के हिसाब से आपको सोल्व करना होगा। जैसे आपके पेपर में टोटल मार्क्स है 80 नंबर, उसका आपको 40% करना होगा, यानी कि उसका 50% आपको हल करना हो। जैसे आपके पेपर में 100 मार्क्स का पूर्णांक है उसमें आपको 50 पूर्णांक के आधार पर ही सोल्व करना होगा, यानी कि आधा आपको पेपर सोल्व करना होगा, आधे क्वेश्चन नहीं करने होंगे, आधे पूर्णांक के हिसाब से आपको सोल्व करना होगा। इकाई की बात समाप्त की जाती है। फिलहाल फाइनल ईयर के पेपर चल रहे हैं जो 14 सितंबर तक ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद में 17 सितंबर से सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और जो रेगुलर के इतने स्टूडेंट हैं, नॉन कॉलेज है, टोटल स्टूडेंट यूजी पीजी में 5.46 लाख छात्र हैं। गाइडलाइंस के अनुसार छात्रों का वैक्सीनेशन और समय पर सभी परीक्षाएं कराई गई है, समय पर रिजल्ट जारी किए जाएंगे। प्रोफेसर राजीव जैन कुलपति का परीक्षा नियंत्रक देख सकते हैं यानी क्या कहा, 17 सितंबर से सेकेंड ईयर की परीक्षा शुरू होंगी, टाइम टेबल तैयार हो रहा है, पेपर पहले से ही छपे हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप से परीक्षा नहीं होने वाली है। टाइम टेबल तैयार हो रहा है, यानी कि टाइम टेबल तो पहले ही जारी हो चुका है, फिर टाइम टेबल तैयार कहाँ पर हो रहा है, दोबारा से भी टाइम टेबल जारी
हो सकता है 17 सितंबर से आपके एग्ज़ाम है, इसलिए दोबारा से टाइम टेबल आपका जारी हो सकता है सही तरीके से ही। वो तो जो ड्यू पेपर थे उनकी टाइम टेबल जारी हुआ था, और जो LLB और BLLB में एंट्रेंस टेस्ट कराने की भी तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट यह है कि आपका 17 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है सेकेंड ईयर का, और टाइम टेबल भी तैयारी हो रही है, टाइम टेबल भी दोबारा से बनने वाला है आपका। तो जिन्होंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ ज्वाइन करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो एग्ज़ाम से रिलेटेड पूछ सकते हैं। थैंक यू।